भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। दरअसल अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच मुलाकात तो पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक मुलाकात कौन सी रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव से कुछ सीटें मांगी थी, लेकिन अखिलेश यादव एक सीट देने के लिए भी तैयार नहीं थे। हालांकि अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक दो सीट देना चाहते थे, इससे ज्यादा नहीं दे पाए थे। विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद अकेले अपने दम पर मैदान में उतरे, लेकिन गोरखपुर से अपनी खुद की जमानत तक नहीं बचा पाए और उनके पार्टी का एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था उत्तर प्रदेश में जिसकी जमानत बची हो। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को इस बात का समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर सफल होना है तो सपा या बसपा किसी एक का तो हाथ थामना ही पड़ेगा। उन्हें पता है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी उनका साथ नहीं देगी, उनके साथ गठबंधन की संभावनाएं बहुत कम है, इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद से ही रालोद प्रमुख जयंत चौधरी से संपर्क साधना शुरू कर दिया। लगातार जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद की दोस्ती देखी जा रही है, लगातार दोनों साथ मिलते देखेंगे। उसके बाद खतौली और रामपुर के अंदर उपचुनाव के अंदर भी चंद्रशेखर आजाद ने खूब प्रचार किया। खतौली के अंदर मिली जीत ने चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ाया, क्योंकि बसपा यहां पे चुनाव में थी नहीं और बसपा का जो वोट था उसको डाइवर्ट करके खतौली के अंदर मदन भैया रालोद प्रत्याशी की तरफ में शिफ्ट करने में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी भूमिका रही थी। इसमें भूमिका आने के बाद चंद्रशेखर आजाद का थोड़ा सा कद है वो बढ़ा राजनीतिक क्षेत्र में। ऐसे में जयंत चौधरी लगातार कहते नजर आए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम चंद्रशेखर आजाद को अपनी तरफ से बड़ी भागीदारी दिलवाएंगे, लेकिन साफ बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद को कितनी बड़ी भागीदारी मिलेगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हाल फिलहाल की राजनीति में देखें तो उतने मजबूत नजर नहीं आते कि उन्हें बड़ी संख्या में टिकट दी जा सके। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव है और उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, उन दोनों चुनावों के अंदर आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी की जो चंद्रशेखर की पार्टी है उसको चंद्रशेखर आजाद को कितनी सीटें अखिलेश यादव और रालोद गठबंधन दे सकता है, क्योंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन है और उसी गठबंधन में से कुछ सीटें चंद्रशेखर आजाद को मिल सकती है। अब वो सीटें कितनी होगी, दरअसल ऐसी चर्चा इसलिए है क्योंकि चंद्रशेखर ने भले ही ट्वीट करके ये कहा हो कि ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव को जो लेकर जो मामला चल रहा है उसके मामले में और जातीय जनगणना के मामले को लेकर हम दोनों के बीच में मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आरक्षण को आज मामले काफी दिन हो चुका, अब तो कोर्ट ने रोक भी लगा दी है और उसके अब तो पूरी आशंका है कि फिर से निकाय चुनाव जो हो विषय आरक्षण के साथ ही होंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर साफ नजर आता है कि इस राजनीतिक समीकरण का 2024 से सीधा सीधा कनेक्शन है। अब 2024 के अंदर अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को कितनी सीटें देंगे या 2022 वाला हाल होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करते हैं तो उन्हें अपनी सीट अगर जो भी उन्हें मिलती है उनमें उन्हें किसी भी दम ताकत में जीत कर दिखाना होगा, तभी जाकर उनकी राजनीतिक कद जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ पाएगा। मिलेंगे किसी वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आप चले तो विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना।